और भाई फोर नाइन का ही है। हेलो भाई, मैं पवार। आज आपको एक थोड़ा ना अलग सी माफिया टाइप गैंगस्टर एकदम गाड़ी दिखाने वाला हूँ भाई। आजकल ना बहुत रेयर देखने के लिए मिलती है। रेयर तो भाई ये पूरी की पूरी ही चीज़ अब आपको देखने के लिए मिलती ही नहीं इंडिया में। मतलब पहले ही यार ये फोर्ड ब्लू कलर में शोरूम चमकते थे, लेकिन आजकल की मार्केट में एकदम टोटली एंड हो चुका है इसका। खैर ये गाड़ी के बारे में बात करते हैं। फोर्ड की भाई ये गाड़ी आया करती थी किसी ज़माने में ना, जो जिसके पास ये रहती थी ना ही मतलब ऐसे रिचेस्ट टाइप माना जाता था कि भाई बहुत रिच आदमी है। मतलब ऐसे एकदम अलग पर्सनैलिटी के लोग लेते थे इसको, और वो मैं आपको मिलवाऊंगा अभी, आप खुद ही समझ जाओगे किस पर्सनैलिटी के लोग इसको लेते थे। यहाँ पे अभी देखो आज क्या रहता है ना, लोग ऐसे बहुत जल्दी गाड़ियों से झिक जाते हैं आजकल जो चल रहा है। मतलब क्योंकि टेक्नोलॉजी हर छः महीने में इतनी चेंज हो रही है ना कि अब आपको एक सर्टेन मतलब 20-25 लाख के अंडर 4x4 मिलने लग गए हैं। उसको ही देख लो आप, कहाँ पे आपको मतलब इसमें इतनी बड़ी बीस एसयूवी में भी 4x4 इस वाली में देखने नहीं मिलता था। लेकिन ये वाले आप देखोगे मतलब फोर्ड भी खुद भी नहीं बनाता था भाई ऐसी गाड़ी जैसी ये बनवा रखी है, एकदम फुल ऑन गैंगस्टर एकदम, जिससे आप कह सकते हो ये देखिए पूरी की पूरी एकदम चेंज, एकदम इल्लीगल टाइप मॉडिफिकेशन इसमें कर रखी है। हमारा उद्देश्य है आपको बिल्कुल भी बताने का नहीं है कि भाई ये आप ऐसे काम करवाओ या फिर ये चीज़ें करवानी चाहिए। हम जस्ट आपको दिखा रहे हैं कि भाई इस तरीके के लोग भी हैं जो इन चीज़ों को अभी भी अपना करवाते हैं बस शौक के तौर पे। ये गाड़ी ऐसी है भाई, ज़्यादा निकलती नहीं, ज़्यादा चलती नहीं, बस केवल ऐसे भाई ने शौक के लिए कर रखी हैं। जो जेड ब्लैक वगैरह है ये इनको लेके नहीं निकलते इस गाड़ी को लेके, इनके पास और भी गाड़ियाँ हैं उनको ज़्यादा ड्राइव करते हैं। केवल ये थोड़ी सी ऐसे दिल को प्रसन्नता मिलनी चाहिए ना इसे गाड़ी को देख देख के, वो वाली चीज़ है। एक थोड़ा सा इनको रखनी है ये लॉन्ग टर्म ये गाड़ी, क्योंकि अब जैसे फोर्ड की एंडेवर अगर आप नई वाली भी देखते हो ना तो वो भी भाई अब ऐसे लुप्त तो होती जा रही है, तो लोग उसको ऐसे रख रहे हैं कि भाई यार कल आने वाले टाइम में ना इस गाड़ी की बहुत वैल्यू बन जाएगी। क्योंकि पुरानी चीज़ों की अगर आप पुराने नोटों की आज भी बात करते हो तो बड़े मशहूर चलते हैं। तो ये एंडेवर है भाई, पुरानी वाली जो नई जनरेशन आई थी ना उससे पहले वाली जो एंडेवर है ये वो है। अभी इसके मैं मॉडिफिकेशन के बारे में बात करूँगा, अभी गाड़ी लॉक्ड है तो मैं मिलवाता हूँ एक बार इसके ऑनर से आपको ये गाड़ी को अभी तक भी मेंटेन करने का क्या रीज़न है। तो ये मिली है सुशील भाई से। सुशील भाई कैसे हो, सुनाओ। बहुत बढ़िया जी भाई। कहाँ से हो भाई, आप कहाँ से बिलोंग करते हो बताइए। भाई नीम का गांव फरीदाबाद से। फरीदाबाद से भाई हैं, 451 आप देख सकते हो भाई। कब ली थी आपने ये अपना ये एंडेवर? ये भाई 2013 में ली थी जी। 2013 में जी भाई। कितने की पड़ी थी आपको ये? 24 लाख। उस टाइम 24 लाख रुपए की आती थे एंडेवर। अरे फॉर्च्यूनर भी बहुत ज्यादा बिकती थी उस टाइम पे, फॉर्च्यूनर ना लेने का क्या रीजन था? फॉर्च्यूनर भाई बाद में आई थी, वो ली थी 15 में जी। 15 में आपने वो ले रखी है। अच्छा मैं एक बार ये आपसे पूछना चाहूंगा, ये आप गाड़ी ज्यादा यूज नहीं करते ना, मतलब जैसे शौक के तौर पे आपने जेड ब्लैक वगैरह करवा रखे हैं? शौक के तौर पे यूज होती है, मतलब फॉर्च्यूनर वगैरह इन्होंने स्टॉक रखे कि उसको ज्यादा ड्राइव करते हैं। बाकी इसमें देखो कोई भी ऐसे इन्होंने मॉडिफिकेशन के मामले में कसर नहीं छोड़ रखी है। जहाँ पे आप बात करते हो लाइट्स की, पुलिस लाइट्स की, सारा कुछ इस गाड़ी में सेट है। अभी भाई ये ओरिजिनल कलर कौन सा है इस गाड़ी का? व्हाइट कलर अभी। अच्छा व्हाइट कलर में आपने ये ली थी, और अभी इसको चेंज करवाने का क्या अपना वो रहा आपका? मतलब मैं भाई गौरव भाई से जानकारी थी, उन्होंने थोड़ा सा डिसाइड। रैप पुलिस वाले भाई, मतलब आप रैप वे पीपीए भी हो, सब काम करते रहते हो? गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी काम है हम करते हैं। कितने की रैप हुई थी भाई ये, अगर किसी को ऐसा माफिया लुक हो मतलब चाहिए? इस गाड़ी के लिए जो प्राइसिंग है वो 31,000 है। जो इसका रैप का जो कलर है वो है आपका गन मेटल मैट ग्रे। हाँ अरे नाम में भी गन है, रियलिटी में बहुत तगड़ी सी लग रही है भाई। अगर आप रियल आंखों से देखते हो भाई, सब रिएक्शन कैसे मिलते कभी कभार इसको रोड पे लेके निकलते हो तो? है जो आपने करी थी भाई का रिएक्शन कैसा था ये बता दो। चलो वाओ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडिया में चलाने लायक नहीं है, रशिया लेके चलते हैं इसको। नहीं भाई, भाई की पर्सनालिटी पे सूट होती है, इस टाइप की गाड़ी है ये। तो 4x4 भी ले लेते भाई यार उस टाइम पे, मतलब इतना 24 लाख रुपए डाल ही रहे थे तो। बस भाई 4x4 ली ही नहीं वैसे ही, अभी रिग्रेट होता है उस चीज का। हाँ होता है। अब देखो लोग क्या करते हैं ना आजकल गाड़ी बेच के नहीं ले आते, आपका अभी तक इसको रखने का क्या प्लान है, क्या इरादे हैं, मतलब क्या सोचते हो भाई? गाड़ी इतनी अच्छी बन गई, अब तो रखने का प्लान इसलिए बन गया, बेचने की जरूरत नहीं है। तो कैसे कर, मतलब ऐसा ज्यादा बेकार कंडीशन हो गई थी क्या इसकी व्हाइट कलर में? हाँ। कितनी चला दिया आपने ये? ये भाई 67,000 किलोमीटर चली है, चली भी ज्यादा नहीं है। अच्छा ज्यादा तो नहीं चलाई आपने? 67,000। फॉर्च्यूनर ज्यादा चलाते हो ये एंडेवर? फॉर्च्यूनर ज्यादा चलती है। ऐसा क्या रीजन है भाई? ये थोड़ी बस भैया रफ एंड टफ यूज होती है बस, छोटे मोटे उड़ाओ भाई। मतलब भाई जो आज वाली एंडेवर है ना वो एकदम डिफरेंट है इस वाली से, इसकी एक अलग ही क्लास हुआ करती थी। इतनी लंबी भाई, मतलब ऐसे लगता था कि हाँ कोई नेता वेता आ गया क्या, एकदम ऐसे होती है ना लिमोजिन टाइप ऐसे गाड़ी लगा करती थी कि हाँ यार कोई कुछ रोड पे एक बीस्ट चल रही है। अभी अगर आप अलॉय व्हील वगैरह देखते हो तो इसमें भाई ने लगवा रखे हैं 20 इंच के। अच्छा वरुण भाई बताएंगे हम लोग डिटेल में, भाई को इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है,
जो वो भाई हैं, क्योंकि उनका अलग ही सिस्टम चलता है थोड़ा सा। तो ये फोर्ड के तो नहीं है ओरिजिनल अलॉय व्हील्स, कौन सी कंपनी के लगवा लिया? ये है चाइनीज अलॉय, पर इसमें फोर्ड का स्टिकर लग रहा है, 22 इंच अलॉय है भाई। अच्छा 22 है क्या? जी राइडर 22। भाई क्या लुक निकल के आ रही है रियलिटी में। यहाँ पे देखिए एंडेवर, और यहाँ पे जैसे नई वाली में उन्होंने क्या 3.2 की बैजिंग लगा के स्टार्ट कर दी थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और ये गौरव भाई ने रैप भी बड़ी ढंग से करी है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे अलग कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर है, मैट है एकदम, गाड़ी ने एकदम मस्त चमकती है। अभी इंटीरियर दिखाते हैं जरा गाड़ी का ना, ये देखो भाई इन्होंने इंटीरियर से, एक तो जिनकी भी जेड ब्लैक गाड़ियाँ रहती है ना उनकी में भाई ऐसे 4-5 लाइट लाने का मन करता है, अंदर कुछ दिखता ही नहीं भाई, मतलब ऐसे डोर वोर बंद कर लो ना आप तो कुछ आपको नजर नहीं आएगा, पूरा ऑरेंज करवा रखा है भाई ने, कुछ इस तरीके का इंटीरियर आया करता था भाई। कैसे देख लेते हैं, दिख जाती है बस वो ना रात को थोड़ा कम निकलती है गाड़ी, दिन में चलाते हैं जब भी चलाते हैं भाई। यार अभी से ऐसे लग रहा है कि 10 बज गए हों, मतलब आपको चाहे कैमरे में कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन ये वाला शीशा ज्यादातर क्या करवाते हैं लोग, इनको ज्यादा ब्लैक करवा लेते हैं, ये थोड़ा सा वैसा रहता है, लेकिन इन्होंने ये ज्यादा ब्लैक करवा रखा है, यहाँ से ज्यादा लाइट आ रही है। तो सुशील भाई से पूछते हैं यार ये चीज, सुशील भाई एक बार यहाँ पे आना जरा, एक रिक्वेस्ट है आना सुशील भाई, अभी इसका रीजन बताएंगे सुशील भाई क्या सोचते हैं इस बारे में। ये देखो पुलिस लाइट से लेके गाड़ी पूरी एकदम माफिया लुक वाली बना रखी है। सुशील भाई देखो लोग क्या करते हैं, इस वाले को कम काला करवाते हैं, इनको ज्यादा काला करवाते हैं, आपने ये ज्यादा काला करवा रखा है, ये कम है थोड़े से? यही तो अलग बात है भाई। दिख जाता है आपको इसमें से रात के टाइम चलाते हो तो? थोड़ा कम दिखता है लेकिन बस काम चलाऊ बात बनती है। अच्छा चलो ठीक है भाई, ओके इतना ही पूछना था। तो ये देखो यहाँ पे ये वही लगवा रखा है एंड्रॉइड चाइनीज जो आता है ना, ये तो वही है भाई, इसमें अपना आप आराम से कुछ भी चला सकते हो, YouTube टाइप जो रहता है। यहाँ पे देखो भाई गियर नो वगैरह इसका कैसे अपना मस्त हिलता रहता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे कप होल्डर वगैरह दुनिया भर के यहाँ पे दिए जाते थे, और ये वाले इंडेवर है, कभी भाई को मन नहीं करा कि यार आप लोगों का कि ऐसा नई वाली फॉर्च्यूनर वो ले लेते हैं इंडेवर? नहीं नहीं भाई बताऊँ क्या बात है, इस गाड़ी की थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ मैं। ये गाड़ी ना 2012 में ली थी, मतलब इसमें अब तक भी एक साल पहले भी इसमें जंग लग गया था भाई, इसके जो पुराने वाले टायर्स थे मतलब सारी गली हुई थी नीचे से। बट इसमें मन किया यार आज थोड़ा सा ट्रेंडिंग में भी चल रहा भाई, इंस्टा खोलते हैं तो वहाँ पे भी भाई अलॉय लगवा रखे हैं पब्लिक ने, तो थोड़ा सा मन किया था मॉडिफाई करवाने का। अभी इसमें एक महीने पहले अलॉय लगे हैं, रैप वगैरह भाई वो आपने बता दिया था गौरव भाई ने किया। अरे अभी फिलहाल में मॉडिफाई हुई है, पहले इसको आप ऐसे देसी तरीके से ही चला रहे थे? पहले तो वैसे ऐसी चलती थी अपनी, अभी करवाया है ये सब चीज, इनको तो 15 दिन ही हुए हैं भाई मुश्किल से। चलो ये तो हो गया भाई अपना अपना फ्रंट सीट का, अभी मैं आपको ना रियर सीट में जरा लेके चलता हूँ भाई। ये देखो जो गाड़ी इतनी लंबी ये दिखती है, इसका ये है क्या भाई, ये ऊंची बहुत है, ऊंची बहुत है भाई, ऊंची तो काफी है। यहाँ पे हम वगैरह आपको मिलता है, मतलब दुनिया भर के इन लोगों ने ऐसे कप होल्डर्स इस गाड़ी के अंदर लगा रखे हैं, जिससे हमारे सुशील भाई जैसे इंजॉय कर सके इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे देखे फोर्ड की भाई ये आ चुका है, हाथ में आ चुका है पूरा एसी वेंट्स का, जो पूरा पंखा वंखा का सिस्टम है, यहाँ से देखे पूरा एसी वेंट्स आपको पूरे मिल रहे हैं। इसकी ना भाई अभी रूफ होगी, मून रूफ लगवाएंगे इसमें बहुत जल्दी। इतना पैसा लगा रहे हो है? सही है भाई। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे भाई अब जब यहाँ पे कप होल्डर्स यूज होंगे तो ये भी जरूर चाहिए भाई। ये देखिए इस तरीके का आपको एम्प वैम्प V12 का भाई लगवा के इसमें सीट्स आती हैं। हाँ जी भाई वो सीट हटवा रखी है, पीछे से दो आती थी जैसे स्कॉर्पियो आती थी ना ऐसे। भाई ये सही में ऐसा गुंडो टाइप गाड़ी लगती है भाई, यार लंबाई सी हो गई यार, सही है गाड़ी एकदम ओवरऑल ना, जैसे पीछे से ऐसे बाहर से दिखता है ना कि कितना स्पेस अंदर, तो इसमें आप कितना ही सामान लेके चले जाओ, उस टाइम पे भी 24 लाख रुपए की गाड़ी थी, ये वर्थ लगती होगी ना उस टाइम पे तो भाई, बिल्कुल वर्थ। आज भी भाई हेड टर्नर गाड़ी अगर रोड पे भी निकल जाती है ना भाई, मतलब पब्लिक पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है, इस हिसाब से मॉडिफाई करवाई हुई है। कौन सी गाड़ी गई यार, मतलब जो मेन अट्रैक्शन है ना वो बाहर से ही है यार इस गाड़ी का, अंदर से तो चलो कंडीशन अभी लगती है कि भाई चल रहा है इसमें 10 साल इसको हो गए हैं, अभी क्यों पैसा लगा रहे हैं सुशील भाई इस पे? सुशील भाई अब तो 10 साल बाद गाड़ी खत्म हो जाएगी, फिर क्यों पैसा लगाए जा रहे हो अब इस पे आप? कभी अभी आप इंटीरियर भी मैंने सुना है इसको चेंज करवाने वाले हो? हाँ भाई थोड़ा बहुत काम हो रहा है, अभी और काम करवाओगे? आपको 2023 में तो एक्सपायरी हो जाएगी आपकी गाड़ी है भाई, थोड़ा टाइम है बस अभी, मतलब जब जितना भी है गाड़ी को फुल कर दोगे जितना तो कुछ करे भाई। इसके लोग ऐसे पैसे नहीं लगाते कि यार हमको दे दो अभी से या फिर ऐसे भाई, ऐसे ऐसे भाई तो होता पर आपका कोई भी प्लान इसको बेचने का भी नहीं है, क्योंकि भाई ये गाड़ी वो जो एक रिस्पेक्ट सी है ना वो डिजर्व करते है, क्योंकि एक विंटेज वाली चीज हो गई है यहाँ पे, रूफ रेल से लेके। और एक और खास चीज जो आजकल गाड़ियों में नहीं आती, जो ये दो एंटीना से निकले रहते हैं, इनका क्या है बस ये लुक के लिए है क्या बस? तो सही है भाई ओवरऑल गाड़ी ना, मतलब भाई ऐसा फुल मजे ले रहे हैं, फुल आपको अटेंशन मिल जाती है गाड़ी को लेके, फुल जेड ब्लैक करवा के इसको घूम रहे हैं और ये स्टिकर लगा के भाई, तो आप समझ सकते हो
क्यों इस गाड़ी पे इतना पैसा लगाया जा रहा है। तो ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं सुशील भाई, जो ओन करते हैं फोर्ड एंडेवर 2013 मॉडल। अभी सर्विस वर्विस तो बहुत हो गई होंगी इसकी, क्या एक्सपीरियंस रहता है, कितनी कॉस्टिंग वोस्टिंग बैठ जाती है भाई? सर्विस की तो भाई वही जैसे नॉर्मल स्विफ्ट की होती है ना, 10-12 हज़ार के अंडर ही हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है फोर्ड चली गई कि सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ भी कोई इशू नहीं होता भाई, आज तक तो कोई हुआ नहीं है। आगे देखते तो अभी सर्विस कहाँ से करवा रहे हो उसकी? सर्विस फोर्ड है भाई, अपने इधर ही फरीदाबाद में ना, उधर सारी सर्विस फोर्ड से ही होती है, सारी फोर्ड से ही होती है कंपनी से। चलो 10-12 हज़ार में सर्विस हो जाते हैं फोर्ड की यार, और क्या चाहिए, वरना तो पार्ट्स इनके बहुत महंगे सुनते हैं कि बहुत। अभी इस गाड़ी के पार्ट्स मिल जाते हैं क्या? मिल जाते हैं। अभी तक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई वैसे, जैसे आपको कुछ ऐसे इंजन रिलेटेड कुछ भी फेस करना पड़ा हो? अच्छा, इंजन वाइज मैकेनिकली सब बढ़िया चल रहा है? क्लच प्लेट भी चेंज हुई है आज तक? नहीं हुई, नहीं हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये सही है भाई यार, एंडेवर हुआ करती थी, वरना फोर्ड की गाड़ियों पर जैसे लोग कम ही ट्रस्ट करते हैं ऐसे मेंटेनेंस को लेकर, फिर लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए। लेकिन भाई अभी तक भी इसको लेकर सेटिस्फाइड है। अब वही है, अगर आप अभी तक भी 10 साल बाद कोई बंदा पैसा लगा रहा है, चाहे भाई पे रैप करवानी हो या फिर इंटीरियर्स का करवाना हो या फिर ऑडियो वगैरह करवाने हो, तो कहीं ना कहीं गाड़ी में कुछ उसको दिखता है तभी करवाता है भाई। सुशील भाई ये अलॉय का ये कहाँ गया टायर जो पिछले वाला है? ये भाई ऑर्डर दिया हुआ है, आएगा ये दूसरा लगवा रहे हो ना ये? और भाई ने एंटीना वेंट, मतलब प्लानिंग भाई की बहुत बड़ी है। देखो ये दिक्कत है भाई, रियर व्हील ड्राइव है ना, 4x4 होती ना, कोई टेंशन ही नहीं थी फिर। अच्छा ये देखो यार कितनी बड़ी है, मतलब रियल लाइफ में मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी लगती है भाई ये बिग डैडी, तो असली ये कहनी चाहिए। 24 लाख रुपये में आज 24 लाख रुपये में ये वाली बिग डैडी मिल रही है। ये थी फोर्ड एंडेवर, कैसी लगी आपको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये सारी मॉडिफिकेशन जेड ब्लैक करवा के ये सब ना करवाएं, ये चीज़ें इलीगल है, हम बिल्कुल भी ये सब चीज़ रिकमेंड नहीं करते हैं। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।